चलिए आइए चालू करते हैं बेटा। बोथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पेंटा अमीन थायो साइनेटो कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड, ठीक है। मैंने पर्पसली डाला है बेटा ताकि आप थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर की भी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अभी आपको जेई मेंस का 4th अटेम्प्ट तो देना ही है बेटा, और नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन नॉर्मली मेंस में तो आ जाता है, कई बार एडवांस में पूछा गया है। तो अब इसका फॉर्मूला लिखना हो कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड, ठीक है जी। अरे ये क्या हो गया, तो कोबाल्ट 3 है, पेंटा अमीन है बेटा तो NH3 ऑल 5 होगा, और थायोसाइनेटो मतलब SCN, ठीक है जी, और साथ में बाहर ब्रोमाइड। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 हमारा। दूसरा है पेंटा अमीन ब्रोमाइडो कोबाल्ट 2 हो चुका है बेटा, है ना। अब इसको 3 बनाने के लिए ब्रोमाइड मुझे कितना डालना पड़ेगा, 2। अब अगले में बेटा अगर मैं है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, देख के ही हमें नजर आ रहा है कि इसमें कोई भी आइसोमेरेज नहीं है, बट स्टिल मैं नॉमेनक्लेचर की भी चाहता हूँ प्रैक्टिस हो जाए। तो पेंटा अमीन है, कोबाल्टी है, ब्रोमाइडो है तो NH3 5 है बेटा, ठीक है, BR है, ठीक है, और बाहर क्या हो गया, SCL। तो पहली बात तो बेटा हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, माई पर्पस इज जस्ट टू कि आपको नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस हो जाए। कई बार हम इतना बड़ा नाम पढ़ने में गड़बड़ कर देते हैं, तो वो ढंग से पढ़ें, अदरवाइज आइसोमेरिज तो बेटा यहीं से नजर आ रही है। आप लोगों ने जो भी दिमाग लगाया हो, तो अगर सही डायरेक्शन में नहीं लगाया हो तो मेरी, हाँ बस बिल्कुल है ना, बिल्कुल पार्थ ने वही पकड़ा कि अगर आपने सही डायरेक्शन में नहीं लगाया हो तो सबसे पहले तो हमें यही पकड़ना था कि भैया है ना क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ही चेंज हो गई है तो आइसोमेरिप्स का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। ऑक्सीडेशन नंबर पैदा चेंज हो गई तो ऑक्सीडेशन का कोई सवाल, आइसोमेरिप्स का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है ना। हाँ, अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो जाती तो हम इसे बोल देते कौन से आइसोमेरिप, आयोनाइजेशन आइसोमेरिप्स, क्योंकि आपका SCN अंदर चले गया है एक में और BR बाहर चले गया, ठीक है। मैंने आंसर की नहीं देखी, आंसर तो बेटा दे देता हूँ मैं साथ में। चलिए आइए अगला क्वेश्चन भी काफ़ी बढ़िया है। द कॉम्प्लेक्स K2ZnCn2O2 इज ऑक्सीडाइज टू ZnCn2O2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना। पहला तो बेटा करेक्ट होने का कोई चांस ही नहीं है, जिंक इज ऑक्सीडाइज इंटू Zn4, क्यों नहीं है चांस, बिकॉज Zn तो केवल एक ही ऑक्सीडेशन नंबर रखता है, दैट इज +2, तो वेरिएबल होने का कोई चांस ही नहीं है ना। अब बाकी सब हमें सोचना है, तो सबसे पहले अगर जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर में +2 सोचता हूँ, है ना, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था बेटा ये, और अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग, ठीक है। ये है एक कॉम्प्लेक्स, और दूसरा कॉम्प्लेक्स है बेटा आपका ZnCn2 और O2 2। अगर जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर दोनों में +2 है, ठीक है जी, क्योंकि जिंक तो वेरिएबल चेंज ही नहीं करता, ये -2 है, ये -2 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब यहाँ पर ये अगर ऑलरेडी +2 में है तो ये O2 कौन सा वाला होगा, ये O2 आपका -1 वाला होगा, दैट इज ये परोक्साइड आयन है। ये कौन सा आयन है बेटा, परोक्साइड आयन है ना, ये कौन सा आयन हो गया आपका, परोक्साइड आयन, ठीक है। सर इसमें सेकंड वाले में O2 कौन से चार्ज में, कैसे पता चलेगा, वही तो बता रहा हूँ बेटा, आप सॉल्यूशन तो देखो, पहले से चिंता क्यों कर रहे हो। अब ये +2 -2 ये तो जीरो हो चुका है, मतलब ये वाला O2 जो है बेटा वो ऑक्सीजन है, ये वाला O2 जो है वो आपका ऑक्सीजन है, क्योंकि ये जीरो वाला होगा तभी नेट चार्ज आपका जीरो हो जाएगा। तो आई होप पता पड़ गया आपको, और अगर ये O2 है बेटा तो MOT से इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। 16 वाले का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2 और 17 वाले का बॉन्ड ऑर्डर होता है कितना, 1.5, ठीक है। तो उसने बोला है ऑप्शन बी में मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीजेस बेटा, O2 के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है जबकि O2- के पास 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये गलत हो रहा है, ठीक है। ओ बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होनी चाहिए, तो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। आ गया समझ में, हाँ लैग तो बेटा थोड़ा बहुत आता रहेगा, तो हमारे लिए केवल करेक्ट ऑप्शन अब कौन सा बचेगा, मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीजेस, ठीक है जी। अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको बेटा पानी बुला ले, है ना, जो आपको एडवांस में बेटा बफरिंग का आई कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है ना, वीडियो में थोड़ा बहुत लैग आ सकता है, ठीक है, बट ओवरऑल अ वेरी टॉप क्लास क्वेश्चन, मजा आया होगा इस क्वेश्चन को करने में आपको, ठीक है ना। जल्दी से सभी अपना फीडबैक डालें कि कैसा लगा क्वेश्चन, वैसे तो खैर आपने ओवरऑल फीडबैक दे ही दिया है कि सर DPP टफ थी, मजा आया, ठीक है ना, ऐसे ही अभी मजे में और दूंगा बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये
रिलेटिवली मैं इजी बोलूंगा, बट स्टिल दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्ड और पूछे गए काफी बार एडवांस बेटा. कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिव वाइट प्रेसिपिटेट विद AgNO3. मतलब क्लोराइड आपका सभी में जो दिख रहा है बेटा, इट शुड बी प्रेजेंट इन आयोनाइजेशन स्फीयर, है ना. इट शुड बी प्रेजेंट इन किसमें, आयोनाइजेशन स्फीयर. लैग बोल रहे हैं बच्चे, चेक कर लो. ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज. ठीक है, ये दो कंडीशन है. अब वो बोल रहा है कि इनमें से विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉलोइंग बोथ अबव कंडीशन. अच्छा हाँ, तो चालू कर दो वाली स्क्रीन बच्चा. यहां से पूरी तरह से सही है, अभी मैंने टेक्निकल टीम से चेक करवाया है. ठीक है, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आपकी साइड से आ रही है, उसे प्लीज चेक कर लो. यहां से 100% ओके चल रहा है बेटा, सिग्नल्स की जो स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर है. अरे बेटा नॉर्मल चाहिए, मैं ठंडा नहीं पीता हूँ, सॉरी. ठीक है जी, तो आप देखो बेटा, हमें एक चीज पता होना चाहिए था. हाँ, क्या पता होना चाहिए था, थर्ड क्वेश्चन तो आसानी में खुद ही बोल रहा हूँ कि कोबाल्ट अगर +3 ऑक्सीडेशन नंबर में है तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. 3D सीरीज के सभी है ना, 3D सीरीज. क्वेश्चन 2 फर्स्ट बता दीजिए, ऑडियो ब्रेक हो रही थी. क्वेश्चन 2 बेटा कुछ नहीं था, सिंपल बताया तो मैंने आपको कि दो जिंक तो कभी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करता, +2 +2 दो साइनाइड है, -2 -2. अब अगर ऊपर देखेंगे बेटा, इन दोनों ने न्यूट्रल कर लिया, तो अगर बाहर दो पोटेशियम है तो +2, तो इसका मतलब O2 के ऊपर -1 चार्ज होना चाहिए, तभी नेट ये -2 बना के नेट कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होगा, मतलब ये परऑक्साइड आयन हो गया. नीचे ये +2 है, -2 है, 0 हो गया, बाहर कोई पोटेशियम है नहीं, तो इसका मतलब ये होना चाहिए ऑक्सीजन, और उसके बाद आपका केवल MOT लग जाएगा कि MOT के हिसाब से O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस के पास 17 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर इसका 2, उसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5. तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा. ओके चलिए, थर्ड क्वेश्चन बेटा. तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है बेटा, पहला रूल ये लगेगा कि कोबाल्ट +3 के ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना, 3D सीरीज के सभी कैटायन जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, जरूर ध्यान रखना. तो अगर मुझे इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की 6 करनी है, तो 5 अमोनिया और 1 वाटर, ठीक है ना, अंदर चले जाएंगे, और अंदर चले गए तो तीनों क्लोराइड बाहर, तो इट इज सेटिस्फाइंग द फर्स्ट स्टेटमेंट. ठीक है, मतलब वाइट प्रेसिपिटेट देगा, बट ये MA5B टाइप का कॉम्प्लेक्स हो गया, इट कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, तो सेकेंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, है ना. इसमें बात करें बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखने के लिए, ऑल 6 शुड बी प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वाइट प्रेसिपिट वाली, बट ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो कर सकता है, MA3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स हुआ, है ना. प्लेटिनम +4 वालों की कोऑर्डिनेशन नंबर आपका, है ना, प्लेटिनम +2 वाले की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है, और +4 वालों की 6. तो अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करानी है बेटा, तो 5 अमोनिया तो अंदर जाने ही जाने हैं, 1 क्लोराइड चले जाएगा, तो अगेन ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. अब लास्ट वाले को देखें बेटा, तो 4 अमोनिया अंदर, 2 क्लोराइड बाहर और 2 अंदर, फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई, सेकेंड भी हो गई, क्योंकि ये MA4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स हुआ, तो बी को हम सिस पर भी रख सकते हैं, बी को हम ट्रांसफर भी रख सकते हैं. उम्मीद करता हूँ बेटा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा. तो अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लायक बन सकता है ये क्वेश्चन, पूछे गए ऐसे क्वेश्चन और आगे भी चांस है. ठीक है, तो आंसर हो गया डी. ठीक है जी, चलिए अब क्या कर रहा बेटा, अगली बात क्या कर रहा हमसे, अगला क्वेश्चन थोड़ा और डरावना बेटा. ठीक है ना, O2 बेटा देखिए, हमें पता है O2 जो है वो O2 भी हो सकता है, O2+ भी हो सकता है, O2- भी हो सकता है, O2-2 भी हो सकता है. अब अगर क्वेश्चन में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में तो आ ही गया था, तो हमें पहचानना पड़ेगा बेटा, है ना, कि क्या होगा. ठीक है जी, अब यहाँ पर भी O2 वाला क्वेश्चन है, इधर भी O2 है, उधर भी O2 है, इन बोथ द कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO कैटायन इज सेम. तो पहले हम इस कंडीशन को देख लें, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि अगर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन नंबर में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करना है. ठीक है, अब हम देखें बेटा यहाँ पर उल्टा देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 +3 होगी. यहाँ पे तो हमने पता कर लिया,
और उसने खुद ही बोल दिया बेटा कि दोनों तरफ सेम है तो प्लस थ्री करो। ठीक है, ये भी एडवांस लायक क्वेश्चन है। अब बाकियों को चेक करते चलो बेटा, ये माइनस फाइव, ये माइनस फाइव, ये छह पोटेशियम है तो प्लस सिक्स। ठीक है, अब चार्ज को बैलेंस करें। ऑक्सीजन का चार्ज, क्योंकि अभी मैंने लिख दिया ऑक्सीजन, इनमें से कुछ भी हो सकता था, वी हैव टू चेक कौन सा है। ठीक है, छह और तीन नौ और तीन बारह, बारह यूनिट का पॉजिटिव चार्ज और माइनस फाइव, माइनस फाइव टेन यूनिट का नेगेटिव चार्ज, मतलब ओ टू के ऊपर चार्ज आपका माइनस टू है, तो ये आपका सुपर ऑक्साइड आयन है। इट इज योर सुपर ऑक्साइड आयन ओ टू माइनस टू। बस ट्रिक यही है, इस क्वेश्चन का लूप होल यही है कि आपको पहचानना है। इधर बात करें बेटा, ये माइनस फाइव का चार्ज, ये प्लस फाइव का चार्ज, इन दोनों ने तो हटा दिया एक दूसरे को, ये प्लस सिक्स है, ये माइनस फाइव है, इसका मतलब O2 के ऊपर चार्ज माइनस वन है, तो यहाँ वाला आपका कौन सा आयन हो गया बेटा, O2 माइनस, ये सॉरी मैंने गलत बोल दिया शायद, ये परऑक्साइड है और ये सुपर ऑक्साइड। ठीक है जी सर, NH3 ऑलवेज कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रहेगा। हाँ बेटा, बाय डिफॉल्ट वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी आप पढ़िए बेटा, NH3 हमेशा है ना, जो ऑक्सीडेशन नंबर को सेटिस्फाई करने वाला एनायन होता है बेटा, ये अंदर बाहर दोनों तरफ जा सकता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का भी पार्ट हो सकता है, आयनाइजेशन का भी पार्ट हो सकता है, बट जो सेकेंडरी वैलेंसी है बेटा वो तो नॉन आयनाइजेबल होती है, मतलब वो हमेशा अंदर ही जाएगी। ठीक है, तो अब हमें पता पड़ गया बेटा, एक O2 माइनस टू है और एक O2 माइनस है, O2 माइनस टू मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1, और इसका बॉन्ड ऑर्डर बेटा O2 माइनस है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5। ठीक है जी, अब देख लो बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा बच्चा उसी की बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हुई, वाई वाले की कि एक्स वाले की, है ना, वाई वाले की, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा बॉम्बे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ओ इन एक्स इज लेस देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ ओ इन वाई, है ना, न्यूट्रल वाला अंदर ही रहता है बिल्कुल। बोलिए बेटा, ओ टू का कॉन्सेप्ट समझ में आया, अभी तो दो ही क्वेश्चन हुए हैं, मैंने लगभग ओ टू के ऊपर चार पांच क्वेश्चन आपको डाले हैं, क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट सभी को। ठीक है, यस नो बताते चलो बेटा, देखो थोड़ा बहुत लैग तो है बट मैं थोड़ा थोड़ा वेट भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, बताइए जल्दी से, अभी तक के सब क्वेश्चन समझ में भी आ गए और अच्छे हैं। बोलो बोलो कुछ तो बोलो, अरे 46 स्टूडेंट्स हैं यार प्रेजेंट, कुछ तो जवाब दो जल्दी। न्यूट्रल के लॉजिक हुआ तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म नहीं होता, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बाहर होता है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में बाहर होता ना बेटा H2O, तो उसका तो नाम ही है बेटा, उसमें तो हम वेट लॉस से पता करते बेटा, है ना, कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा के हाइड्रेशन आइसोमेरिज में हम ये पता करते हैं कि आखिर कितना वॉट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और कितना बाहर है। ठीक है, बट पहले तो हम वहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर को ही सेटिस्फाई करते हैं। चलो सभी को मजा आ रहा है, मजा आया सर, यस सर, यस सर, बढ़िया बात है ना। अब अगला क्वेश्चन बेटा रिलेटिवली ईजी है बट ठीक है, पूछा जा सकता है, हाउ मेनी आइसोमर्स एग्जिस्ट फॉर दिस। आपको हमेशा देखो जो हम पढ़ाते हैं ना बेटा वो A4 B2 इस टाइप से बढ़ाते हैं, तो आपको उसी से चेक करना है, और ये B2 हो गया है तो सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म में हो सकता है बेटा। ठीक है, और ये कभी भी आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज को शो नहीं करेगा, तो इसका मतलब हम केवल इसके दो GI बोलेंगे। ठीक है, बट अगला वाला कॉम्प्लेक्स ये शायद इसी साल आपका JEE मेंस में पूछा गया है बेटा। ठीक है, COEN होल टू CL2, इसमें क्या होगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, CO प्लस 3 है, दोनों EN 90 डिग्री पर अगर जोड़ते हैं तो एक पॉसिबिलिटी है CL को ट्रांस पे रखें, एक ट्रांस आइसोमर हो गया, इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बट अगर मैंने इसका सिस वाला फॉर्म बनाया, EN EN, ठीक है ना, यहाँ से एक EN और ऊपर CL और CL, ये इसका सिस वाला फॉर्म है, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये डी और एल दो फॉर्म में होगा बेटा, मतलब पहले वाले के दो आइसोमर, दूसरे वाले के तीन आइसोमर। ठीक है ना, और इसे हम पढ़ाते वक्त किस फॉर्म में लिखते हैं बेटा, एम ए होल ट्वाइस और बी टू टाइप का, है ना, प्लस माइनस एन, तो हो सकता है आपको एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन मिले बेटा, है ना। ठीक है, हाँ सॉल्ट एनालिसिस बोल दिया बेटा, ठीक है क्लियर हुआ ये क्वेश्चन भी,
इजी था बट आपके एग्जाम लायक क्वेश्चन है बेटा, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, काफी बार पूछे भी गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगेन एक डरावना कॉम्प्लेक्स है ना, ठीक है। एडवांस में बेटा देखो कॉन्सेप्ट तो चेंज कर नहीं सकता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, तो ज्यादा क्या कर सकता है, थोड़े कॉम्प्लेक्स को डरावने कर सकता है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक मोमेंट एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल कैटायन इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, है ना। यहाँ पर भी पंगा आपको O2 ही करेगा, O नहीं करेगा बेटा, क्योंकि देखो ONO हमें पता है माइनस वन का चार्ज, O ब्रैकेट में बेटा तो ये ऑक्साइड हुआ और ऑक्साइड के ऊपर चार्ज कितना होता है माइनस टू, दो है तो माइनस फोर, समझना मेरी बात, है ना। HCN के ऊपर पक्का माइनस वन है, H2O न्यूट्रल है, OH के ऊपर माइनस वन, एग्रीड। तो अब इससे हमारे नेगेटिव चार्ज जो दिख रहा है माइनस सेवन, अब पंगा क्रिएट करेगा बेटा O2, कि आखिर O2 कौन सा है। अगर हम पहला ऑप्शन देखें बेटा O2 को न्यूट्रल वाला ले लिया, है ना, फर्स्ट पॉसिबिलिटी मैंने O2 को O2 ही ले लिया है, ध्यान देना, ढंग से सुनना, इट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। अगर मैंने O2 को O2 ही लिया है तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सेवन हो जाएगी बेटा, और अगर प्लस सेवन हुई तो मैग्नेटिक मोमेंट फिर रूट थ्री बी एम होने वाला नहीं है, यहाँ से वो चीज़ गलत हो जाएगी, है ना। क्यों नहीं होगी सर मैग्नेटिक मोमेंट, बिकॉज है ना ऑस्मियम जो है बेटा वो Fe के ग्रुप का है, Fe, Ru और OS, है ना। Fe के नीचे रूथियम, रूथियम के नीचे ऑस्मोस, ऑस्मियम ये है आपका, मतलब ये आपका NS2 और 3D, मतलब N-1, है ना, N-1 D6 कॉन्फिग्रेशन रखते हैं। तो अगर आपने प्लस सेवन ऑक्सीडेशन नंबर दे दी, इसमें भी लॉजिक है बेटा, मस्त है ना, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स कर देता है। हाँ बिल्कुल सही बोला बेटा, ठीक है ना। अगर हमने इसको प्लस सेवन दिया बेटा तो दो इलेक्ट्रॉन पहले एस से जाएंगे, पांच इलेक्ट्रॉन डी से जाएंगे, तो तब उस केस में ऑस्मियम प्लस सेवन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कई बच्चे जल्दबाजी में बोलेंगे यार रूट थ्री बी एम हो गया, D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन भी हो गया, क्योंकि दो डी ऑर्बिटल खाली है, और वहीं पर आपका गलत हो जाएगा। अब कहाँ गलती होगी बेटा, क्योंकि अगर आपने इसे O2 लिया है तो O2 के पास भी दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपने इसे O2 लिया है तो O2 के पास, यही तो है ना, यही तो लिमिटेशन था बेटा, अगर आपको याद हो VBT का, कि VBT जो है वो ऑक्सीजन का पैरा मैग्नेटिक नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। O2 के पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन मेरे कॉम्प्लेक्स में तीन हो जाएंगे, इस वजह से पहला ऑप्शन गलत हो गया बेटा। अब दूसरा, अगर आप इसे प्लस एट ले रहे हो, ठीक है, तो जीरो बी एम यहाँ तक तो सही है बेटा, बट हाइब्रिडाइजेशन प्लस एट लेने का मतलब एस भी गया डी भी गया, तब हाइब्रिडाइजेशन D2SP3 होगा, न कि SP3D2 होगा। उससे अगले में बेटा तीनों चीज़ें सही जा रही हैं, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन सी है। कैसा लगा क्वेश्चन, मज़ा आया हो तो ठोको ताली, ठीक है जी, मज़ा आया हो तो ठोको ताली भैया, ठीक, क्योंकि काफी जानदार क्वेश्चन था, एक एक चीज को पकड़ना था हमें वहां पर, ठीक है। विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज आर एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स, अगला क्वेश्चन हमारा बेटा, है ना, दो क्लोराइड माइनस टू, है ना, ठीक है। और अच्छा आइसोमेरिज का क्वेश्चन है तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह निकाल के क्या करेंगे बेटा, हम सीधे देखें A2B2C2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, MA2B2C2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है बेटा, और प्लस माइनस N, है ना, MA2B2C2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, तो ज्योमेट्रिकल तो शो करना ही करना है बेटा, ऑप्टिकल भी शो करना ही करना है, क्योंकि इसके टोटल पांच GI बनते हैं, पता ही होगा आपको, है ना, इसके टोटल। बट मैग्नेटिक मोमेंट को क्वेश्चन के सेंट्रल एटम में आयरन का बोला है ना, नहीं बेटा ऐसा कहा, आयरन तो पहली बात सेंट्रल मेटल आयन, ऐसा कुछ भी नहीं बोला बेटा, उसने बोला है मैग्नेटिक मोमेंट एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल कैटायन इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। आपको जो मैग्नेटिक मोमेंट, अगर आपने इस कॉम्प्लेक्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखा बेटा तो मैग्नेटिक फील्ड तो पूरा मैग्नेटिक मोमेंट बचाएगा ना इसका, वो अब उसको तो ना देखेगा कि केल सेंट्रल मेटल आयन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। क्या मेरी बात आ रही सभी को समझ में, है ना, जिन्होंने भी डाउट पूछा था बेटा वो दूर कर लेना, अच्छा डाउट था वैसे आपका कि मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा कॉम्प्लेक्स का होता है बेटा, ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा कॉम्प्लेक्स का होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके 5 GI होंगे बेटा, और उनमें से एक जो होता है चार ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं और एक आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है ना, एक ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। तो इसलिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल तो शो कर ही रहा है, आयोनाइजेशन भी शो करेगा बेटा, BR को हम अंदर बाहर कर सकते हैं, ठीक है जी,
बट ये हाइड्रेट को नहीं शो कर सकता है ना। हाइड्रेट को क्यों नहीं कर सकता है बेटा, ठीक है ना, वाई 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 बताओ, क्योंकि अगर आपने वाटर को बाहर कर दिया और बीआर को अंदर कर दिया तो ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो जाएगा, और हमारे पास ओरिजिनली कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल नहीं है बेटा। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस वन चार्ज है और ब्रोमाइड के ऊपर माइनस वन चार्ज है, तो इस वजह से हाइड्रेट आइसोमेरिज में ये जरूर ध्यान रखना है, न्यूट्रल वाले को हम काउंट नहीं करेंगे, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा बेटा सी वाला 1, 3 और 5। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, है ना। एक घंटा मुझे लगा है बेटा क्वेश्चन सिलेक्ट करने में, देखो मैंने बनाए नहीं है, इतना मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, उतना समय नहीं है बेटा, बिकॉज सो मेनी कोर्सेस आर रनिंग। हाँ बट अलग अलग सोर्सेस से बेटा, है ना, अलग अलग सोर्सेस से मैंने क्वेश्चन को उठाया है बेटा, और बनाने में मुझे 1 घंटा लगा है, और मुझे खुद बाद में बेटा पेपर काफी मजेदार लगा। SCN में कैसे कहाँ मैग्नेटिक मोमेंट का 12वां, पता नहीं क्या लिखा है बेटा, मैं तो लैंग्वेज ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ, प्रॉपर इंग्लिश में लिख दो तो मैं समझ पाऊँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आया कि तुमने लिखा क्या है, ठीक है। चलिए अब बात करें बेटा, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी बढ़िया है, वापस O2 का रोल आ रहा है, ऑक्सीडाइज हुआ है यहाँ पर, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ग्रीन कॉम्प्लेक्स, है ना। देखो साफ साफ आपको जो अभी डाउट था, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ग्रीन कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है ना, हो सकता है उसमें आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत लगी हो बेटा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का होता है मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि हमने तो उस कॉम्प्लेक्स को उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ठीक है ना, वो बताएगा कि हमें वो मैग्नेटिक है कि नहीं है, और अगर है वो पैरा है कि डाया है, और अगर पैरा है तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो हमें पता पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये आगे से मिसकॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में अभी तक था उसे दूर करना बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा कॉम्प्लेक्स का होता है, 1.7 है, मतलब इस ग्रीन कॉम्प्लेक्स, है ना, ग्रीन वाले के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये हमें पता पड़ गया। और ब्राउन कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, मतलब इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है, क्लियर, पहली कहानी। O is same in all respect in both the complex, मतलब अगर ये न्यूट्रल O2 है तो यहाँ पर भी ये O2 ही रहेगा, ठीक है जी, ठीक है। अगर O2- है तो बाद में भी O2- रहेगा, O2-2 है तो बाद में भी O2-। How can we find out magnetic moment of SCN-? बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालो, इसमें किसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, S C ट्रिपल बॉन्ड N, और S के ऊपर कौन सा चार्ज बेटा, माइनस चार्ज, है ना। अब कार्बन के पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, नाइट्रोजन के पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, सल्फर की बात करें, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन, आपने 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब NH2 क्या हुआ बेटा, NP4 हो गया, आपने इसे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन और दिया है, माइनस चार्ज का मतलब ये नेगेटिव, NP5 हो गया, तो जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था बेटा उसके साथ तो इसने क्या बना दिया है, बॉन्ड बना लिया, उसके साथ तो इसने बॉन्ड बना लिया है कार्बन के साथ, जो एक बच गया है, तो इसके पास तो कोई भी अब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, क्या आ गई मेरी बात समझ में, बोलो मेरे लाल, 30 आएंगे क्या, 30 आएंगे बेटा, 30 क्या आएंगे ये नहीं समझ पाया, ठीक है। चलिए तो ये मैंने आपका जवाब दे दिया बेटा, आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो बीच बीच में, मुझे कोई तकलीफ नहीं है बेटा, ठीक है, डाउट्स ही तो दूर करने आए बेटा, क्योंकि हमें भी पता है, जो मैं भले आपको 1000 क्वेश्चन करा दूं बेटा, एडवांस का कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि इसी में से हमारा क्वेश्चन आएगा, इवन डाया एंड ऑड पैरा एक्सेप्ट 16 और 32, हाँ वो तो आप एमओटी के रिस्पेक्ट में ले गए बेटा, है ना, ठीक है जी। और पैरा और डाई को आइडेंटिफाई करना तो बेटा खूब आसान है, जिसके पास भी ऑड इलेक्ट्रॉन है वो पैरा मैग्नेटिक है, इवन इलेक्ट्रॉन वालों में केवल आपका O2 और B2, 10 और 16 वाला, हाँ सल्फर तो चलो O2 के बाद आ जाता है, उस बेसिस पर आप उन्हें पैरा बोलते हो बेटा। और कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो कॉम्प्लेक्सेस में बेटा डायमैग्नेटिक कौन से होते हैं आपके, ठीक है ना, D0, D10 ये तो पक्का होने ही होने हैं, इसके अलावा अगर D6 आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में आ गया है तो उसके सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, इसके अलावा कोई भी केस उठा लो सब के सब पैरामैग्नेटिक ही होंगे, जो मैंने रूल बोला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, क्योंकि आप लोग है ना कौन सा पैरा है कौन सा डाया है, कई एक बार एडवांस में ये भी क्वेश्चन आया था, 10 कॉम्प्लेक्सेस या 10 अलग अलग चीज़ें उन्होंने लिख दी थी और बोला था इनमें से पैरा और डाया को पहचानो, अगर आपको याद हो तो अभी मैंने आपको ट्रिक बता दी, ऑड इलेक्ट्रॉन वाले ऑलवेज पैरा, इवन इलेक्ट्रॉन में बेटा ऑलवेज डाया एक्सेप्ट
Bn2 10 इलेक्ट्रॉन, O2 16 इलेक्ट्रॉन और S2 भी बोल सकते हो आगे 32 इलेक्ट्रॉन, और कॉम्प्लेक्सेस में D0 D10 हमेशा आपके डायमैग्नेटिक और D6 इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो तुरंत आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, चलो तो अब भैया S2O8-2 तो एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, S2O8-2 तो एक पावरफुल क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑब्वियसली इसने किसी न किसी को तो क्या करा होगा, ऑक्सीडाइज करा होगा। अब ऑक्सीडाइज कौन होगा बेटा, कोबाल्ट ही हुआ होगा। अगर मैं यहाँ देखूँ बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट की 6 आ रही है, मतलब दोनों में +3+3 में ही होना चाहिए, ठीक है, और जो जस्टिफाई हो भी रहा है +4 है बेटा, मतलब दोनों ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज, मतलब ये आपका परोक्साइड आयन है। पैरा डाया ज्योमेट्री एंड कलर एडवांस का फेवरेट है, बिल्कुल बेटा आता ही है क्वेश्चन, और मैंने भी खूब भर भर के इनडायरेक्टली डाले हैं। ठीक है जी, यहाँ बात करें बेटा +5 चार्ज है, ये तो 5-5 ही रहे हैं, ये ऑक्सीजन अगर सेम है -1-1, इसका मतलब एक कोबाल्ट +3 में होगा, एक कोबाल्ट +4 में होगा। तो उसने आपसे यही पूछा है, देखने में डरावना क्वेश्चन है बट इस क्वेश्चन की रेटिंग मेरी तरफ से डिफिकल्ट नहीं होगी, ये मैं बता दे रहा हूँ बेटा, है ना, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालते आना चाहिए, इन्हें हम कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स बोल, कोऑर्डिनेशन है ना पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स बुलाते हैं बेटा, लिगेंड जिनमें ब्रिज आ जाता है, तो पहले में 3-3 दूसरे में 4-3 हमारा आंसर हो गया ए। ठीक है जी, हमारा आंसर हो गया कौन सा बेटा, ए वाला, खत्म। ये भी अच्छा क्वेश्चन था हमारा। आइए अब चालू हो रहे हैं थोड़े से और डरावने क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा, Na2SO4 के अंदर BaCl2 डालें, जब भी BaCl2 दिख जाए बेटा तुरंत बेरियम का सल्फेट बनता है, ध्यान देना है ना, BaCl2 दिखे और सल्फेट दिखे तो बेरियम का सल्फेट, और ये आपका बेटा केवल और केवल कंसंट्रेटेड H2SO4 में सॉल्युबल होता है और किसी में सॉल्युबल नहीं होता है। अब इसे हमने फ्यूज दिस प्रेसिपिटेट ऑन चारकोल विथ Na2CO3 एंड एक्सट्रैक्ट द सॉल्युबल सब्सटेंस विथ वाटर, ये है रिएक्शन इंपॉर्टेंट। अगर BaSO4 की रिएक्शन हम कार्बन और Na2CO3 के साथ कर रहे हैं बेटा, पहले इन दोनों का तो बेरियम का जो सल्फेट था बेटा वो बेरियम का कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, ठीक है जी, और Na2SO4 जो बनेगा उससे कार्बन क्या है बेटा, ऑक्सीजन खींच लेगा तो Na2S और CO बनता है। तो यहाँ पर ये जो एक्वस सॉल्यूशन है बच्चा, ये रिएक्शन है आपके लिए इम्पोर्टेंट। एक्वस सॉल्यूशन Na2S का है, तो सॉल्ट एनालिसिस में सल्फाइड जो है, सॉल्ट एनालिसिस में सल्फाइड जो है बेटा वो आपका क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप का होता है, वो मतलब फर्स्ट ग्रुप से मेरा मीनिंग वो एनायंस जो डाइल्यूट H2SO4 के साथ ही है ना, सल्फाइड का टेस्ट है बिल्कुल सही, तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ ही क्या करते हैं बेटा, गैस इवॉल्व करते हैं, तो यहाँ की जो गैस इवॉल्व होगी दैट इज H2S है ना। अब H2S के बारे में उसने पूछा है, इट टर्न्स लेड एसिटेट पेपर ब्लैक, बिल्कुल सही है बेटा, PbS का ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा ना, इट टर्न्स एसिडिफाइड K2Cr2O7 फिल्टर पेपर ग्रीन, ये भी सही है बेटा क्योंकि वो Cr+3 में बदल देगा। H2S में सल्फर अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में -2 है, और थर्ड तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्ड इज सबसे इंपॉर्टेंट, इट प्रोड्यूसेस पर्पल कलराइजेशन ऑन फिल्टर पेपर मॉइस्टेंट विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। वॉट इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, Na2Fe CN5NO, इसे हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड बोलते हैं बेटा, और जब आप इसके अंदर H2S पास कराते हो बेटा तो NO आपका Na2FeCN5 और NOS बन जाता है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ये, ठीक ना, इसका पर्पल कलर होता है बेटा। और एल्कलाइन होना क्यों जरूरी है, एल्कलाइन होना क्यों जरूरी है बेटा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, सर इसमें सेकंड वाले में O2 कौन सी चार्ज में है कैसे पता चलेगा, अभी तो बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी सर, एक्वस सॉल्यूशन ही H2S नहीं होगा, पता नहीं क्या लिख रहे हो बेटा आज, है ना बेटा अंग्रेजी में लिख दो ना, कई बार तो हिंदी तो आपकी मुझे समझ में नहीं आ रही बेटा, एक्वस सॉल्यूशन H2S ही होगा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मैंने तो अपना एक्सप्लेनेशन पूरा दे दिया बेटा। ये एल्कलाइन होने की क्यों जरूरत है बेटा, बिकॉज H2S इज ए वीक एसिड, अगर मीडियम एसिडिक होगा तो सल्फाइड आयन का कंसेंट्रेशन इतना कम होगा जिससे आपका है ना ये टेस्ट परफॉर्म ही नहीं हो पाएगा, हमें एल्कलाइन मीडियम करके सल्फाइड आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ाना था और सल्फाइड आयन का
कंसेंट्रेशन बढ़ गया तो हमारा काम हो गया, जिससे टेस्ट परफॉर्म हो जाएगा। तो इट इज ऑल्सो ए नाइस क्वेश्चन, ठीक है जी। इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस, है ना। जेई वाला चाहेगा बेटा एडवांस वाला, तो इससे क्या करेगा, मल्टीपल चॉइस में बना सकता है, ठीक है ना। टू इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ सल्काइल, है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही बेटा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन भी एडवांस लायक है, बट ये रिलेटिवली सिंपल है। BaCl2 के साथ वाइस प्रेसिपिटेट से ही थोड़ी सी फिलिंग Ag की आ जाती बेटा यहाँ पर, ना AgCl बनना। Ki के साथ ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट, फिर से Ag का पक्का दिख रहा है, यहाँ पर Ag होना ही चाहिए। NaOH के साथ थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको बेटा, तो Ag प्लस अगर NaOH के साथ रिएक्ट करेगा बेटा, पहले AgOH बनाएगा, ठीक है जी, और वो अनस्टेबल होता है बेटा, Ag2O बनता है, जिसका ब्राउन ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है ना। सॉल्ट के क्वेश्चन उस मामले में सिंपल है बेटा, कि अगर आपको पता है इन्फॉर्मेशन आपको पता है, और नहीं पता है बेटा तो मैंने आपसे वादा कर ही दिया कि मैं वीडियो अटैच करवा दूंगा आपको। कलरलेस सॉल्यूशन बेटा, AgCl का जो वाइट प्रेसिपिट बना है बेटा, एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन में ये आपका कॉम्प्लेक्स बना देता है AgNH3Cl, जिसका कलरलेस सॉल्यूशन होता है। तो ये AgCl है बेटा, ये AgI2 है, AgI है, तो इसका मतलब कंपाउंड एक्स इज लाइकली टू बी कौन सा हो गया बेटा, AgNO3, ठीक है जी। बोलिए बेटा, थोड़ा रिस्पांस देते चलिए बेटा, हम भी अब किल चिल्लाते चल रहा हूँ बेटा, है ना, बताते चल रहा हूँ एक एक क्वेश्चन, थोड़ा सा यस नो में आप भी जवाब दीजिए। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, जो भी अभी तक मिस कॉन्सेप्ट थे या नहीं पता था, एटलीस्ट कम से कम कुछ तो पता पड़ ही रहा होगा, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉम्प्लेक्स आयन, है ना। अब हमें हमेशा कॉम्प्लेक्स को कैसे देखना है बेटा, ये ए, ये बी, और ये आपका क्या हो गया, है ना, दो ए, तो दिस कॉम्प्लेक्स इज Ma2 और Ab प्लस माइनस, है ना, इनफैक्ट हम इसे BC लिख दें, प्लस माइनस n वाला। जैसे ये कॉम्प्लेक्स हो गया बेटा, तो ये अब आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज को भी शो कर सकता है और ऑप्टिकल भी शो कर सकता है, क्योंकि BC को एक बार सिस पे रखेंगे, एक बार ट्रांस पे रखेंगे। ट्रांस वाला फॉर्म तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और सिस वाला एक्टिव। इट हैज टू ज्योमेट्रिकल, हमसे क्या बोला है, नॉट ट्रू, है ना, ये जरूर पढ़ देना। इट हैज टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस एंड ट्रांस, बता दिया बेटा। हमें हमेशा उसके रिस्पेक्ट में सोचना है बेटा जिसकी नंबर कम हो, ये जरूर ध्यान रखना। सिस एंड ट्रांस फॉर्म आर नॉट डाया स्टीरियोमर्स ऑफ इच अदर, है ना, ये मोर देन वन करेक्ट है बेटा, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया बेटा, ना। व्हाट इज डाया स्टीरियोमर्स, नॉन सुपर इम्पोजेबल, है ना, मजा आ रहा है सर, वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो थोड़ा सा बस, हाँ, रिस्पॉन्स देते रहो बेटा, अच्छा लगता है, ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास आप फिजिकली तो नहीं हो, बट कम से कम आप लिख रहे हो, तो उससे अच्छा लग रहा है कि यू आर अप्रिशिएटिंग, जोश आता है थोड़ा सा पढ़ाने में, नहीं तो फिर कैमरे के सामने तो हम डेली पढ़ाते हैं, ये लाइव क्लास है, उसका कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए। बट आप में से एडवांटेज काफ़ी कम बच्चों ने लिया बेटा, है ना, कोर्स लगभग 300 स्टूडेंट्स मोर देन, है ना, लगभग 400 स्टूडेंट ने परचेज करा है, लाइव 50 भी नहीं आ रहे हैं पूरे, ठीक है जी। तो आप डेढ़ घंटा तो आ सकते हो बेटा डिस्कशन, हाँ, तो आप बोलोगे सर रिकॉर्डेड देख लेंगे हम, तो रिकॉर्डेड देखोगे बेटा, तो फिर हम भी रिकॉर्डेड ही डाल देते ना, हमने लाइव पर्पसली करा था, ठीक है जी। तो बी स्टेटमेंट तो गलत हो गया बेटा, क्योंकि क्या बेटा, सिस और ट्रांसफॉर्म एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं, उन्हीं को हम डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। ओनली द सिस आइसोमर्स डिस्प्लेस ऑप्टिकल एक्टिविटी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा ना, तो एक तो ये इनकरेक्ट है। इट हैज थ्री ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, DL एंड मेसोफॉर्म, बेटा मेसोफॉर्म तो यहाँ पर हम बात ही नहीं करते हैं, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह नहीं, तो हमारा ये भी इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर बी भी है, डी भी है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। क्वेश्चन 11 में बी, हाँ बेटा बी बता दिया मैंने, बी के साथ साथ डी भी सही है ना, मतलब इनकरेक्ट है, उसने इनकरेक्ट ऑप्शन ही पूछा है हमसे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर एक डरावना क्वेश्चन थोड़ा सा आपका, क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन फॉर द ब्रोमाइडो क्लोराइडो इथाइलिन डाइअमीन ग्लाइऑक्सीमेट ग्लाइसाइनेटो और कोबाल्टेट 3 कॉम्प्लेक्स। अरे भैया डरावना है, CO है बेटा, BR, CL, इथाइलिन डाइअमीन भी है और ग्लाइसिनेटो मतलब GLY भी है ना। चार्ज को देखें, प्लस -1 -1 और इसके ऊपर भी -1, ठीक है ना, कोबाल्ट टेट 3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। अब कोबाल्टेट क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर तो 3 हो रही है और वो 3 सेटिस्फाई हो गई,
तो कोबाल्ट 3 से ही काम चल जाता है, ये तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है जी, सिर्फ 50 क्या है बेटा, सिर्फ 50 सर डी गलत क्यों है समझ नहीं आया बेटा, मेजोफॉर्म नहीं बन सकता ना, मेजोफॉर्म नहीं बन सकता है। अगर जो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होगा इसका, कौन सा फॉर्म होगा ऑप्टिकली एक्टिव, जो सिस फॉर्म होगा। मीजो में तो क्या होती बेटा, नॉन सुपर, एक प्लेन के अबाउट क्या हो जाए बेटा, ये ए आपका इधर से, ये ए इधर से जुड़ा, इतना दिमाग लगाओ बेटा, है ना, इतना दिमाग लगाओ जो एडवांस के लिए आप आए हो इस कोर्स में। अब इसमें मीजो फॉर्म बता दो आप मुझे, कोई भी ऐसा प्लेन बता दो जिसमें मैं दो ऐसे इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकूं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज ऑर्गेनिक की हो ना भूल सकते हो। सर 11 का बी भी स्टिल नॉट अंडरस्टूड, तो डायस्टीमर्स का आपको मतलब ही नहीं पता इसका मतलब बेटा, आपको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज ही नहीं करना चाहते एक्चुअली। भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साफ साफ बोला जाता है कि सिस और ट्रांसफॉर्म जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, डायस्टीरोमर्स, बिकॉज दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। तो यहाँ पर भी उसने बोला है कि सिस और ट्रांसफॉर्म आर नॉट डायस्टीरोमर्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टेटमेंट याद रखो। सिस ट्रांसफॉर्म का क्या, एक दूसरे के ऊपर जो भी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस वाले होते हैं बेटा, वही तो डायस्टीरोमर्स बनाते, इतना तो आपको पता होना चाहिए यार। इसमें तो ना आप मुझे कोऑर्डिनेशन के कॉन्सेप्ट पूछो। अरे भैया ट्रांस वाला मीजो नहीं होगा, महान आत्मा क्या पढ़ते हो यार, अभी तक क्या सीखा है तुम लोगों ने। ट्रांस वाला फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होगा और जो एक्टिव होगा वो डी और एल फॉर्म में पाया जाएगा। ट्रांस वाला फॉर्म आप तो दो काइरल सेंटर पता नहीं कहाँ चले गए। हमने कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज में कोऑर्डिनेशन के मीजो फॉर्म की बात ही नहीं करी है। मीजो फॉर्म के लिए दो ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर होने चाहिए जिसके अबाउट हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकें। अभी तक आपको यह भी नहीं पता हो तो थोड़ा सा फिर मुझे चिंता हो रही है आपके बारे में, ये भी मैं साफ साफ बता दूं। मतलब आपको ना कोऑर्डिनेशन पता है कुछ, ना आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज ऑर्गेनिक की पता है, और जिनके ऊपर गारंटेड है कि एक क्वेश्चन आने वाला है अरित्रा, मैं आपको बोल रहा हूँ है ना, कि अभी आप इतने महान कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाने जा रहे हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कब से हम मीजो वीजो की बात करने बैठ गए, मीजो देखते ही उसे हटा देना था। ठीक है जी, तो अब ये कॉम्प्लेक्स दिया बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग गिवन इन्फॉर्मेशन। इफ बोथ हैलोजन प्रेजेंट इन है ना, उसने पोजीशन शो कर दिए 1 और 3 पोजीशन, देन कंपाउंड शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव। 1 और 3 कौन सी पोजीशन है बेटा, सिस पोजीशन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पर है बेटा, 90 डिग्री पर है ना। ऑल जीआई आर डायस्टीरोमर्स, यही तो मैं भी कह रहा हूँ यार, आप बस है ना, आपको लग रहा है कि सर पीआई पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ऑर्गेनिक का सर को बिल्कुल नॉलेज नहीं होगा, तो इस गलत फहमी मत रहिएगा बेटा। मैं बीटेक करा हूँ आईआईटी खड़गपुर से, तो मुझे ऑर्गेनिक भी आती है, ठीक है, पढ़ाने से खूब ज़्यादा डेप्थ में आती, अभी इतनी तो आती है कि जिससे मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूँ, रिएक्शंस वगैरह भूल जाऊँ, बट जनरल इन्फॉर्मेशन तो मुझे पता ही। ठीक है जी, अब देखो क्या कह रहा हमसे, पहला ऑप्शन मैंने बोला है कि करेक्ट हो गया बेटा, क्योंकि अगर ये दोनों सिस पर आ चुके हैं, सिस पर आ चुके हैं, तो अब कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, वैसे भी ये बिल्कुल आर्बिट कॉम्प्लेक्स है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ ही नहीं सकती, क्योंकि एक इथाइलिन डायमीन है आपका और एक ग्लाइसिनेटो है, ग्लाइसिनेटो इज NH2CH2COOH-। ठीक है, इथाइलिन डायमीन तो हमें पता ही है, तो ऑप्शन ए तो इसका करेक्ट हो ही रहा है। ऑप्शन बी, इफ बोथ हैलोजन प्रेजेंट इन 3 और 5 मतलब एक दूसरे के क्या हो गए बेटा, ट्रांसफर 180 डिग्री है ना, तो अब ये ट्रांसफर तो हो गया बेटा, देन कंपाउंड शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव, इट इज ऑल्सो करेक्ट। अगर हमने इन्हें ट्रांसफर डाल दिया बेटा ना, वो 3-5 बोल रहा है, आप एग्जाम में बैठे हो, आप तो 1 और 6 पर ले जाओ, अब आप 1 और 6 पर ले गए बेटा, तो इधर ई एन डालोगे, इधर आप क्या डालोगे, ग्लाइसिनेटो GLY डालोगे, ठीक है ना, इधर आप GLY डालोगे, ठीक है, और अगर आपने यहाँ पर GLY डाला तो आप देख सकते हो बेटा कि सिमेट्री तो आ ही नहीं सकती, ऊपर और नीचे तो अलग अलग ग्रुप है, वो भी सिमेट्री नहीं है, इधर भी सिमेट्री नहीं है, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही है, हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है भैया, उसमें हमें केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है और कुछ नहीं, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। इफ पोजिशन 2, 6 और 5 ऑक्यूपाई विथ एन एटम्स एज डोनेटिंग साइट, देन इट इज ए ट्रांस आइसोमर। अब इसको हम सोच सकते हैं बेटा, कौन कौन सी पोजिशन 2 है, अरे यार क्या हो रहा है, कौन कौन सी पोजीशन है बच्चा, 2, this is 2, 6 और 5, ठीक है, 2 और 5 तो एक दूसरे के क्या है बेटा, सिस पर है, तो
तो इनमें मान लो मैंने ई एन रख दिया, इनमें मैंने ई एन डाल दिया, तो अब अगर सिक्स पर नाइट्रोजन एटम है तो ओ माइनस वाला ग्रुप या तो फोर पर होगा या थ्री पे होगा। मान लीजिए मैंने फोर पर रख दिया, ठीक है जी, तो इसका मतलब 103 पर ही हेलोजन आएंगे, 103 पर हेलोजन आएंगे तो वो तो सिस फॉर्म हो गया, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो गया आपका इनकरेक्ट है ना। ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, तो इसमें तो मैंने बोल ही दिया बेटा कहीं से भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री आ ही नहीं सकता है बेटा, इसलिए आपका जो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे ही होंगे, इसलिए हमारा आंसर इसका ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। अ वेरी वेरी टफ क्वेश्चन, इसको मैं टफ क्वेश्चन की रेटिंग भी रखूंगा, आप लोगों को भी समझ में आया हो, मजा आया हो तो ठोको ताली।